नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अब भी जारी है, वहीं देश में भी इसे लेकर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में तनाव से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन के रुख को मान करके हमारी सेना के साथ धोखा किया और भारत के रुख को ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी ने CWC की बैठक में ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान जाया नहीं जाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन की इस हरकत की एक वजह हमारी विदेश नीति की पूरी तरह नाकामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति के स्थापित संस्थागत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध होता था, मगर अब तनाव है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए और साथ ही अपने पुराने मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते बरकरार रखने चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन विवाद को लेकर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना कोई हमारे इलाके में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है, जिसके बाद से कांग्रेस PM मोदी पर लगातार हमलावर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।